Hi guys, hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So in this video we will talk about accommodation. So ये वाला video है जिसमें हम बात करेंगे कि आपके पास accommodation के क्या क्या options है अगर आप Perth में आने जा रहे हैं. So for the international students, you guys have got a few options. And अगर आप time से apply कर देते हैं तो आपको ये options easily मिल जाएंगे. So of course Perth में even पूरे Australia में अभी housing crisis चल रहे हैं क्योंकि जो demand और supply है उसका gap काफ़ी ज़्यादा है. But you don't have to worry about it. अगर आप हर चीज़ पहले से plan कर रहे हैं तो आपको घर मिल जाएगा, इतना भी difficult नहीं होगा. So in this video I'm gonna tell you about the three accommodation which will be a good option for you as an international student. So let's get started. So pehla accommodation jo aap apply kar sakte hain wo hai campus Perth. ye accommodation kafi cheap hai as compared to other accommodation. isme aapke budget ke hisab se aapko kafi sare options mil jayenge to aap apply kar sakte hain. uske baad mein dusra jo option hai wo hai yahan pe Boulevard. सो बुलेवर्ड दूसरा स्टूडेंट अकोमोडेशन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे, ऑन स्वीट ऑप्शन मिलेगा, शेयर्ड फ्लैट कि आप 5 या 6 लोगों के साथ फ्लैट को शेयर करेंगे जिसमें रूम आपका खुद का होगा बट टॉयलेट और जो लिविंग एरिया किचन एरिया होगा वो आप शेयर करेंगे. और ऑन स्वीट होगा जिसमें आप ऑफकोर्स आपका रूम खुद का है, बाथरूम खुद का है, सिर्फ किचन और लिविंग एरिया आप शेयर करेंगे. एंड तीसरा ऑप्शन आएगा स्विच. यस, स्विच एक स्टूडेंट अकोमोडेशन नहीं है, ये को लिविंग अकोमोडेशन है जहाँ पे वर्किंग प्रोफेशनल्स भी रहते हैं और स्टूडेंट्स भी रहते हैं. बट यहाँ पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे. स्विच थोड़ा एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, लोकेशन वाइज अच्छा है. तो यहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे भी आपको सारे टाइप के रूम टाइप अवेलेबल होंगे, अगेन ऑन स्वीट, शेड और स्टूडियो अपार्टमेंट्स इज वेल. सो बुलेवर्ड में भी आपको स्टूडेंट अकोमोडेशन में ये सब चीज़ें मिलेगी और स्विच में भी मिलेगी. अब इनका जो एप्लीकेशन प्रोसीजर होता है वो काफ़ी सिंपल है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है. आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना होता है एंड यू अप्लाई फॉर इट. उसके बाद में जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आएगी उनकी तरफ से एंड इफ़ देयर इज एनी रूम अवेलेबल दे विल कॉन्टैक्ट यू. अगर आपको किसी हिसाब से लगता है कि आपको ज़्यादा ईमेल्स नहीं भेजने हैं, अगर आपको लगता है बहुत टाइम से आपको कोई रिप्लाई नहीं आया है तो आप एक फॉलो ईमेल भेज सकते हैं जस्ट टू चेक कि क्या रिस्पॉन्स है क्या नहीं है. और इसके बाद आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपने यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेजेस और व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यहाँ पे जिनके ऑलरेडी कॉन्टैक्ट्स होंगे और वो घर ढूंढ चुके होंगे बट वो फ्लैट में जा रहे होंगे. तो वो बहुत सारी चीज़ें फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट करेंगे अगर आप वो इन्फॉर्मेशन आप चाहते हैं, आपको यू नो घर वहाँ से मिल सकता है. सो उस पर आप एक्टिव रहिए एंड दैट्स हाउ यू कैन मेक फ्रेंड्स यहाँ आने से पहले और आपको घर मिल सकता है. उसके बाद में एक और अनादर ऑप्शन वुड बी टू लुक ऑन रियल एस्टेट. टेम्प्रेरी अकोमोडेशन के लिए आपके पास अगेन ऑप्शंस होते हैं, एयरबीएनबीज होते हैं एंड इवन सिटी में एक और जगह है हॉस्टल करके, वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं. सो ये सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे एंड अगर आप एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं तो आपको इजीली यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन भी मिल जाता है. यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन अगर आप पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं सो इट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू कि आप यूनिवर्सिटी में रहेंगे और आना जाना आपका नहीं यू नो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. सो ये वाली चीज़ें भी आपके लिए अच्छी रहेगी. इसके अलावा अगर आपको ये कोई भी ऑप्शन वर्कआउट नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपने थोड़ा लेट अप्लाई किया और आपको लग रहा है कि सारे ऑप्शन खत्म हो गए हैं, सो अनदर ऑप्शन फॉर यू वुड बी टू फाइंड इट ऑन flatmates.com.au. ये एक और वेबसाइट है जहाँ पे आप फ्लैटमेट्स ढूंढ सकते हैं. सो होपफुली आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू एंड इफ यू लाइक्ड दिस वीडियो डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई शेल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.